Hello and Namaskar to everyone and welcome to my channel Learn and Grow IQ. आज मैं आपके साथ LKG क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी। आप चाहें तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बना के दे सकते हैं अपने बच्चों को घर पे ही सॉल्व करने के लिए, या इसी में से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके यू कैन गिव देम इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर से हम बच्चों को एसेस कर सकते हैं और उनकी वीक एरियाज़ को डायग्नोस करके उस पर वर्क कर सकते हैं। इस पेपर में मैंने अराउंड 35 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि एंड में मैंने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी नर्सरी क्लास का इंग्लिश एंड मैथ सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिक्टेशन। इसमें आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स डिक्टेट करेंगे एंड LKG के बच्चे हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो स्मॉल केस में ही लिखेंगे। सो इस क्वेश्चन के थ्रू हम बच्चों की लिसनिंग पार को एंड रिकॉग्निशन, रिमेम्बरिंग एंड राइटिंग, ये सारे स्किल्स को टेस्ट करेंगे। राइट इनिशियल लेटर्स ऑफ द पिक्चर्स। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड बच्चों को उनका जो इनिशियल लेटर है वो रिकॉग्नाइज करना है एंड वहाँ पे स्मॉलर केस में उनको लिखना है, जैसे M फॉर मंकी। मैच द पिक्चर्स विद करेक्ट साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट। यहाँ पे मैंने बीच में अल्फ़ाबेट्स के नाम लिखे हुए हैं एंड दोनों साइड पे पिक्चर्स दिए हैं, तो बच्चों को जो पिक्चर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसके साउंड को रिकॉग्नाइज करना है एंड देन ही हैज़ टू डू द मैचिंग, जैसे ड डॉट, ड ड्रम। राइट मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। सो यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और बीच के अल्फ़ाबेट्स मिस कर दिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों कैपिटल भी दिए हैं एंड स्मॉल भी दिए हैं। वैसे तो जनरली LKG में स्मॉल केस ही सिखाया जाता है, बट मैंने यहाँ पे कैपिटल भी एक ऐड किया हुआ है, जैसे डी ई एफ लाइक दिस। राइट ए टू जी। सो यहाँ पे मैंने पूरा ए टू जी दिया है एंड यहाँ पे बच्चे का जो सीक्वेंस है पूरा वो चेक किया जाएगा। राइट एंडिंग साउंड ऑफ द पिक्चर्स। सो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, बट वहाँ पे जो बिगिनिंग साउंड था पिक्चर का वो बच्चे को रिकॉग्नाइज करके लिखना था, बट इस क्वेश्चन में जो पिक्चर का एंडिंग साउंड है वो बच्चे को रिकॉग्नाइज करना है, लिखना है, जैसे कैट, ट, ग्रेप्स। तो बच्चे ने यहाँ पे जो फोनिक साउंड्स लर्न किए हैं उस स्किल को टेस्ट किया गया है कि वो कैसे उनको प्रोनाउंस करता है एंड करेक्टली आइडेंटिफाई करता है। मैच कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल वंस। सो इस क्वेश्चन में मैंने दोनों कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं एंड बच्चे को वो रिकॉग्नाइज करके मैच करने हैं। सर्कल करेक्ट अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। सो यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं एंड पिक्चर दिए हैं, सो बच्चे को वो पिक्चर देख के करेक्ट अल्फ़ाबेट जो है उसका स्टार्टिंग वाला वो आइडेंटिफाई करना है एंड सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट वन इज़ बोट, सो ब बोट। यहाँ पे बच्चा पिक्चर को देख के करेक्ट साउंड को आइडेंटिफाई करेगा एंड उसको बाकी अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड है उनसे डिफ्रेंशिएट करेगा। जॉइन पिक्चर्स दैट हैज़ सेम मिडल साउंड एंड राइट दैट अल्फ़ाबेट। सो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चे को जो पिक्चर्स हैं उनका मिडल साउंड आइडेंटिफाई करना है एंड सेकेंड पार्ट में उसको उस मिडल साउंड को यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर इज हॉट, ह ओ ट, सन, स अ न, चॉट, ऑफ, नेट, न एट, नेट एंड लॉग, ल ओक, लॉग। सो यहाँ पे जो सेम साउंड आ रहा है तीन पिक्चर्स का वो है ओ, सो बच्चा यहाँ पे लिखेगा ओ। मेक टू लेटर वर्ड्स फ्रॉम अ एंड ई। सो LKG में बच्चों को टू लेटर वर्ड्स भी पढ़ाए जाते हैं, सो उसी के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो बच्चे को यहाँ पे इस अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज करके उसमें एक और अल्फ़ाबेट ऐड करना है एंड टू लेटर वर्ड बनाना है, जैसे अ ट, अ न, a m a s and a p a।
सो यहाँ पे इन वर्ड्स का मीनिंग है, बट ये वाला वर्ड जो है वो मीनिंगलेस है. बट ये बच्चों को CVC जब थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं उस टाइम पे ये वर्ड यूज़ होता है. सो बच्चों को ये पहले ही पढ़ा दिए जाते हैं LKG में. वॉट कम्स बिफोर, सो यहाँ पे बच्चे को अल्फ़ाबेट रिकोगनाइज करके उसका जो पहले का अल्फ़ाबेट है वो लिखना है. जैसे वॉट कम्स बिफोर ML. राइट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग साउंड्स फॉर ईच अल्फ़ाबेट. सो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं बच्चों को उनका बिगिनिंग साउंड और एंडिंग साउंड दोनों भी आइडेंटिफाई करना है एंड लिखना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर इज मैट, M-A-T, मैट. मैच द करेक्ट पिक्चर विद द वर्ड. अब यहाँ पे एक साइड पे मैंने पिक्चर्स दी हैं एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव गिवन द वर्ड्स. नाउ LKG क्लास पे स्मॉलर A to Z एंड टू लेटर वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, बट कुछ कुछ स्कूल्स में थ्री लेटर वर्ड्स भी पढ़ा दिए जाते हैं. अगर आपने अपने बच्चों को या उनके स्कूल में थ्री लेटर वर्ड नहीं पढ़ाए हैं तो आप ये वाले क्वेश्चंस उनके क्वेश्चन पेपर से स्किप कर सकते हैं. फर्स्ट पिक्चर इज लिड. सो बच्चा यहाँ पे वर्ड को रीड करेगा, आइडेंटिफाई करके उसको पिक्चर के साथ मैच करेगा. मैच ऑल द राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे मैंने कुछ थ्री लेटर CVC वर्ड्स दिए हुए हैं. बच्चे को उन लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है विच राइम विद ईच अदर एंड देन ही हैज़ टू मैच ऑल दोज वर्ड्स. जैसे यहाँ पे फर्स्ट इज मैप. सो इसके साथ राइम करता है नैप, लैप एंड सैप. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द नेम. सो यहाँ पे बच्चे को पिक्चर आइडेंटिफाई करके उसका जो थ्री लेटर वर्ड है वो लिखना है. जैसे कार, CAR. फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU. सो यहाँ पे अगेन मैंने पिक्चर्स के साथ उनके नाम दिए हुए हैं एंड उसका जो बीच का अल्फ़ाबेट है वो मिस कर दिया है. सो बच्चे को वो पिक्चर आइडेंटिफाई करना है एंड विद द हेल्प ऑफ द फोनिक साउंड उसको वो बीच का जो अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे फिल करना है. जैसे फर्स्ट इज बैग, B-A-G. हेन, H-E-N. सो यहाँ पे बच्चा सारे साउंड्स को एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आइडेंटिफाई करके उसको यहाँ पे फिल करेगा. सर्कल करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. यहाँ पे अगेन मैंने पिक्चर्स दी हैं एंड बच्चे को वो पिक्चर आइडेंटिफाई करके करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. पॉट. वॉट कम्स इन बिटवीन. सो यहाँ पे अगेन जो बच्चे का A to Z का सीक्वेंस है उसको पूरी तरीके से आता है या नहीं वो यहाँ पे चेक किया जाएगा. जैसे GHI. वॉट कम्स आफ्टर. सो वॉट कम्स आफ्टर YZ. सो यहाँ पे बच्चे से एक्सपेक्टेड है कि वो स्मॉलर केस में ही यहाँ पे आंसर्स लिखेगा. राइट इन द ABC ऑर्डर. सो यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो जंबल करके दिए हैं बट बच्चे को वो रिकोगनाइज करके उसको ABC के ऑर्डर में लिखना है. जैसे EQNT. सो यहाँ पे सबसे पहले जो ABC के ऑर्डर में आता है वो है E, देन अगेन Q एंड T. सो ये ऑलरेडी ऑर्डर में ही दिया है जस्ट टू कन्फ्यूज द चाइल्ड. नेक्स्ट इज MCA. सो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर में आता है A, देन C एंड लास्ट इज M. जॉइन वर्ड्स दैट हैव सेम मिडल साउंड. सो यहाँ पे मैंने कुछ CVC थ्री लेटर वर्ड्स मिक्स दिए हुए हैं. बच्चे को यहाँ पे उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका मिडल साउंड सिमिलर है एंड देन उनको जॉइन करना है. सो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था बट वहाँ पे बच्चे को राइमिंग वर्ड्स जो थे वो आइडेंटिफाई करके मैच करने थे. सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड इज पेट. सो यहाँ पे मिडल साउंड इज ए. नेक्स्ट इज पेग. अगेन मिडल साउंड इज है. सो ही विल जॉइन दीज टू वर्ड्स. सर्कल द ऑड वन आउट. सो यहाँ पे मैंने रोज में कुछ वर्ड्स लिखे हैं. बच्चे को उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जो जिसका साउंड डिफरेंट आता है. जैसे बग, डग, रग एंड पिट. सो दिस वन इज डिफरेंट. सो यहाँ पे बच्चे सर्कल करेगा इसको. फाइंड एंड फिल द थ्री लेटर्स टू क्रैक द कोड. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है. यहाँ पे बच्चे को नंबर्स के साथ मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं. सो यहाँ पे बच्चे को नंबर कोडिंग करनी है. जैसे कि 3, 5, 6. सो 3 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट है जैसे
देन 5 H एंड 6 पे है इज. सो यहाँ पे जो वर्ड बना है वो है द. इसी तरीके से बच्चा यहाँ पे भी करेगा एच ओ ओ एल. सो यहाँ पे जो पूरा वर्ड फॉर्म होगा वो है द स्कूल. सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को आप एज एन ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज भी दे सकते हैं एंड वो इनको बहुत एंजॉय करते हैं. यूज द पिक्चर क्लूज एंड वर्ड्स टू फिल इन द वर्ड ट्री. सो यहाँ पे मैंने पजल फॉर्म दिया हुआ है एंड उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है अलॉन्ग विद द पिक्चर भी दिया है. सो बच्चे को जस्ट वहाँ पे वो फिल आउट करना है. कैट टी लाइक दिस. कलर द पिक्चर विद द कलर्स फॉर ईच अल्फ़ाबेट. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है एंड उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखी हैं. बच्चों को उस अल्फ़ाबेट के साथ कौन सा कलर यहाँ पे दिया हुआ है की में उसको आइडेंटिफाई करना है एंड सेम कलर उसको यहाँ पे करना है. सो दिस इज़ जस्ट अ फन एक्टिविटी फॉर किड्स. सो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैंने थोड़े से डिफिकल्ट डाले हुए हैं. आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट यू कैन गिव देम इन द फॉर्म ऑफ द वर्कशीट आल्सो. अनस्क्रैम्बल एंड राइट द करेक्ट वर्ड. यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ है एंड पिक्चर का नाम भी दिया हुआ है इन अ जिबल फॉर्म. सो बच्चे को वो पिक्चर आइडेंटिफाई करके उसका जो करेक्ट नाम है वो यहाँ पे लिखना है. हैट जॉइन द पिक्चर दैट हैज़ सेम बिगिनिंग साउंड एंड राइट द अल्फ़ाबेट. सो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था बट वहाँ पे बच्चे को जो मिडल साउंड है वो आइडेंटिफाई करना था एंड लिखना था. बट यहाँ पे बच्चे को बिगिनिंग साउंड जो है वो आइडेंटिफाई करना है. जैसे क कैप ट टक क कप क कैट. सो यहाँ पे क साउंड जो है वो सिमिलर है. सो बच्चा यहाँ पे लिखेगा सी. सर्कल द वर्ड विच डज नॉट राइम विद अदर्स इन अ रो. सो यहाँ पे बच्चे को उस वर्ड को सर्कल करना है जो दूसरे वर्ड्स के साथ राइम नहीं करता है. जैसे फर्स्ट वन इज पिट पेग लेग. सो दिस वन इज डिफरेंट. फॉलो द ऑर्डर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो प्लीज़ प्लान द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू द लर्निंग पेस ऑफ योर चाइल्ड एंड देन गिव दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू देम. अगर आपने ऐसे क्वेश्चन उनको नहीं करवाए हैं तो आप पहले उनको प्रैक्टिस करवाइए एंड देन उनको क्वेश्चन पेपर्स में दीजिए. तो यहाँ पे मैंने पूरा ए टू जी दिया हुआ है बट विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट. यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर जो दिया है वो कैपिटल है देन स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी. सो एक कैपिटल एक स्मॉल ऐसे मैंने डाला हुआ है. सो बच्चे को वही पैटर्न फॉलो करना है एंड ये पूरा कंप्लीट करना है. जैसे कैपिटल ई सो स्मॉल एफ कैपिटल जी स्मॉल एच कैपिटल आई स्मॉल जी. सो लाइक इन दिस मैनर ही हैज़ टू कंप्लीट द सीरीज. सो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर का जो मार्किंग सिस्टम है वो आपको 80/20 या 70/30 के रेशियो में रखना है. सो इसीलिए मैंने कुछ ओरल क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्लान करके दिए हैं. रीड द टू लेटर वर्ड्स विद द फोनिक साउंड. सो यहाँ पे आप पिक्चर कार्ड या फ्लैश कार्ड देंगे बच्चों को लेटर्स के एंड बच्चे इनसे टू लेटर वर्ड्स फॉर्म करेंगे और उनको रीड करेंगे विद द फोनिक साउंड. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम इट विद द फोनिक साउंड. सो अगेन इस क्वेश्चन में आप बच्चों को पिक्चर कार्ड देंगे एंड उनको बोलेंगे कि वो इस पिक्चर का जो बिगिनिंग साउंड है वो आइडेंटिफाई करें विद द फोनिक साउंड या आप उनसे उस पिक्चर का एंडिंग साउंड भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं. रीड द सी वी सी वर्ड्स अलाउड. सो इस क्वेश्चन में आप बच्चों को अलॉन्ग विद द पिक्चर्स 3-letter सी वी सी वर्ड्स देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए एंड रीडिंग के लिए. नेक्स्ट इज राइम्स. सो इस क्वेश्चन में LKG के लिए जो भी राइम्स है इंग्लिश सब्जेक्ट के आप उनसे वो पूछ सकते हैं. सो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैंने थोड़े से डिफिकल्ट डाले हुए हैं. जैसे स्टार्ट रीडिंग अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम. सो यहाँ पे आप बच्चों को ए टू जी का जो सीरीज है वो बीच में कहीं से भी पूछ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन असिस्ट देम. पॉइंट आउट द अल्फ़ाबेट दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स. सो इस क्वेश्चन में आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के फ्लैश कार्ड्स दे सकते हैं एंड उनको सीरीज में लगा के उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट हो रहा है 2 times. सो इसमें बच्चा जो है वो अल्फ़ाबेट्स को बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेगा एंड करेक्ट अल्फ़ाबेट को रिकोगनाइज करके उसको सॉर्ट करेगा. पॉइंट आउट द पिक्चर विच इज़ रिपीटिंग.
सो इस क्वेश्चन में आप कुछ पिक्चर्स पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड बच्चों को बोलिए कि वो उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करें जो रिपीट हो रहे हैं. सो एंड देन ही कैन पुट अ क्रॉस मार्क और अ सर्कल ऑन दोज पिक्चर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट LKG क्लास का इंग्लिश सैम्पल क्वेश्चन पेपर. आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियोज़. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.